नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। जवाहरलाल नेहरू को देश आज कर रहा याद, पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने किया नमन। कांग्रेस ने सीएम बोम्मई को घेरा, राहुल बोले बिटकॉइन स्कैम बहुत बड़ा, कवर अप उससे भी बड़ा। आनन फानन में चाक चौबंद हुई मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था, फोन पर पूरे शहर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, कर्नल और चार जवान शहीद, पीएम मोदी ने जताया शोक। शाह बोले व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। निशाने पर खुर्शीद, केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा हिंदुओं से ही भारत में है सेकुलरिज्म, नहीं तो बन जाएगा पाकिस्तान। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सतर्क, पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। भाजपा नेताओं ने अररिया से राहुल गांधी को भेजी भागवत गीता, बोले बिना उपनयन संस्कार के बन गए जनउधारी। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन स्थल यूपी गेट पर बढ़ी सरगर्मियां, राकेश टिकैत लगातार कर रहे बैठक, पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। हरियाणा भाजपा सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी पर हमलावर, कहा हिंदुओं का जानबूझकर अपमान कर रही कांग्रेस। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन डोज ले चुके श्रद्धालुओं को ही कपाल मोचन मेले में मिलेगी एंट्री। लुधियाना आपका कांग्रेस पर आरोप, कहा मंत्री और विधायक दबाव बनाकर करवा रहे डीसी का तबादला। सड़कों तक पहुंचा सिद्धू चन्नी विवाद, सरकारी होल्डिंग्स के स्लोगन से हटाए गए सीएम चन्नी के नाम। वीकेंड पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर उमड़ा सैलानियों का हुजूम, शिमला में पहुंचे सैकड़ों पर्यटक वाहन। हिंदुत्व के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में भी सियासत गरमाई, पीडीपी भाजपा में घमासान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने किए 26 नक्सली ढेर, चार जवान भी घायल। पीलीभीत में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, 24 घंटे से लापता थी, कोचिंग जाने के लिए निकली थी घर से। कांग्रेस शुरू करेगी भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा, प्रतिदिन 80 किलोमीटर चलेंगे कांग्रेसी। यूपी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई कोर्ट ने किया तलब। सात एक्सपर्ट्स की समिति को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल, उचित मुआवजे पर हो सकेगा भूमि अधिग्रहण। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच दूरी रखकर नहीं हो सकता देश का विकास।
औरैया में मोहम्मद अल्ताफ को दी गई श्रद्धांजलि, प्रदर्शनकारियों ने उठाई कार्रवाई की मांग। औरैया में अरवाखटरा थाना दिवस पर आई 5 शिकायतें, 3 का मौके पर किया गया निस्तारण। बुलंदशहर में कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन, दंगल में पहलवानों का लगा जमावड़ा। फतेहपुर में किसान की हत्या से फैली सनसनी, खेत का रखरखाव कर रहा था किसान। मथुरा में मेगा शिविर का हुआ आयोजन, कई विभागों ने लगाए अपने स्टॉल। प्रतापगढ़ में पुलिस ने किया लूट का खुलासा, पुलिस ने 6 लुटेरों को भी किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही हुई मौत, 2 घायल। फतेहपुर में नहर के बीच मिली बाइक, 4 दिनों से खड़ी दिखी बाइक, पुलिस शिनाख्त में जुटी। कानपुर पहुंची मां अन्नपूर्णा प्रतिमा, तपेश्वरी देवी मां मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। लखनऊ में कांग्रेसियों ने फूंका कंगना का पुतला, प्रदेश कार्यालय पर फूंका गया पुतला। फतेहपुर में बाल मेले का हुआ आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अलीगढ़ में कार और टेम्पो में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में कई लोग घायल। अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सलमान खुर्शीद का फूंका पुतला। औरैया में भाजपा नेत्री का हुआ जोरदार स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बलिया में सामाजिक परिवर्तन यात्रा का हुआ स्वागत, यात्रा लेकर पहुंचे सपा अध्यक्ष। झांसी में 552वां प्रकाश उत्सव, धूमधाम से निकाला गया पर्व यात्रा। मैनपुरी में दबंगों से परेशान महिला, सीओ को सौंपा प्रार्थना पत्र। रायबरेली में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा। संभल में मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प, ग्राम प्रधान समेत 9 लोग घायल। आगरा में ताजमहल परिसर में हुई तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। गोरखपुर में कंगना के बयान पर भड़की महिला कांग्रेस अभिनेत्री का फूंका गया पुतला।
मैनपुरी में संवेदना महायज्ञ का हुआ आयोजन, महर्षि मार्कंडेय मेले में हुआ आयोजन। सहारनपुर में जीआरपी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चोरी के चार आरोपी हुए गिरफ्तार। अयोध्या में विनय कटियार ने साधा कांग्रेस पर निशाना, सलमान खुर्शीद को बताया पागल, राशिद अलवी को बताया संस्कार भी नहीं रही। जी आज यहाँ है। बलरामपुर में सदस्यता महाअभियान में पहुंचे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री ने की भाजपा से जुड़ने की अपील। की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा ने हरीश रावत पर लगाया दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। केदारनाथ, गौरीकुंड और नीलकंठ में भी नमामि गंगे एसटीपी के लिए एनएमसीजी को भेजा गया 195 करोड़ का प्रस्ताव। सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के बयान पर संत समाज में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग। विनोबा सेवा आश्रम को स्वामी राम मानवता पुरस्कार, 26वें महासमाधि दिवस पर किया गया सम्मानित। रुड़की में खनन माफियाओं ने किसानों को पीटा, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे लगाया जाम, पुलिस के फूले हाथ पैर। हिंदुत्व की तुलना आईएएस से करने पर भड़के भाजपाई, रानीखेत में सलमान खुर्शीद का पुतला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको डाइवर्सिटी पार्क दो चरणों में बनेगा, 50 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा पार्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जौल जीबी मेले का किया शुभारंभ। रुद्रपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे जेपी नड्डा, चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। देहरादून में कांग्रेस ने अभिनेत्री कंगना रनौत का फूका पुतला, बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। भाजपा को चुनावी प्रबंधन में भी टक्कर दे रही कांग्रेस, सीधे दिल्ली से आकर आम जन की बद्रीनाथ धाम में 16 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं, 20 नवंबर को बंद होंगे कपाट। उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी को नए सिरे से लागू करने की तैयारी। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार उनका इतिहास। चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विधायक महेंद्र भट्ट का फूका पुतला। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कूटनीतिक जीत, कोयले को लेकर दुनिया को मनवाई अपनी बात। तालिबान को काबू में रखने के लिए नई साजिश में जुटा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में छोटे जिहादी समूहों को दे रहा मदद।
अफगानिस्तान में बढ़े बाल विवाह के मामले, 2 जून की रोटी के लिए बिक रही है मासूम बच्चियां। चीन की गलत हरकत से नाराज हुए श्रीलंका, गुस्से में हजारों टन हानिकारक उर्वरक को लेने से किया इनकार। अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी समेत कई देशों में कोरोना का कहर, दुनिया भर में अब तक 2 अरब 52 करोड़ से ज्यादा मामले आए सामने। काबुल में बस धमाके में 6 लोगों की मौत, 7 घायल, हमले में आतंकी संगठन आईएएस के हाथ होने की आशंका। फ्रांस के बाद अमेरिका में भी कोरोना की 5वीं लहर की आशंका, यूरोप में बढ़ते मामलों से WHO हुआ चिंतित। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करेगा तालिबान, सैन्य ट्रिब्यूनल का किया गया गठन। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का दावा, 75% अफगान लड़कियां वापस लौटी स्कूल। प्रोफेसर बिमल पटेल, अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के लिए निर्वाचित, 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा कार्यकाल। बीसीसीआई नहीं देगा आईपीएल से कमाई पर टैक्स, आईटीएटी का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पक्ष में फैसला। पेटीएम वॉलेट बैलेंस अमेजॉन और फोन पे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट बैलेंस। रेलवे की दैनिक यात्रियों के लिए सौगात, यूपी के कई शहरों के लिए चलेगी अनरिजर्व ट्रेनें। क्रिप्टोकरेंसी पर पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल पर जताई चिंता। आईपीओ लाने की तैयारी में टेक्नोलॉजी, सेबी के पास जमा कराए जाएंगे दस्तावेज। आरबीआई ने बैंकों से कहा, केवल ब्याज पेमेंट पर एनपीए का ना करें मान्यकरण। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का दावा, अमीरों पर ज्यादा पड़ रही है महंगाई की मार। SBI क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को झटका, 1 दिसंबर से EMI ट्रांजैक्शन करना होगा महंगा। एक और, लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर बैंक पर RBI ने लगाई पाबंदी, सिर्फ 1000 रुपए कर सकेंगे विड्रॉल। रिलायंस के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, राइट्स इशू का पेमेंट हुआ फाइनल। हर किसी को मौका मिलेगा, राहुल द्रविड ने अपने रूम में बुलाया और बात कही और कहा जो फिट नहीं है वो आराम करे। केन विलियमसन ने अंडरडॉग पर कहा, फोकस अच्छे प्रदर्शन पर, फाइनल एक अन्य मैच की तरह है। मिताली राज ने जताई उम्मीद, कहा मेरी यात्रा लड़कियों को उनके सपने पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी।
पाकिस्तान के एहसान अली ने ठोका 13 शतक, बाबर आजम भी नहीं कर सके ऐसा। विंच का फूटा दर्द, कहा हमें वर्ल्ड कप से पहले कम आका किया, बदल डालेंगे इतिहास। बासठ खिलाड़ी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, नीरज चोपड़ा समेत 12 को खेल रत्न मिला, 35 को अर्जुन अवार्ड और कई को मिला द्रोणाचार्य सम्मान। राहुल द्रविड़ के बाद वीवीएस लक्ष्मण को मिला बड़ा पद, सौरभ गांगुली के मानने के बाद में एनसीए के हेड छूटा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़े कोहली, शाहिद अफरीदी बोले रोहित को कैप्टन बनाना सही फैसला, अब बस बैटिंग पर ध्यान दे विराट। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली की पत्नी के फेक अकाउंट से फैल गई अफवाह, सामिया बोली कोई धमकी नहीं मिली। टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, टेस्ट सीरीज के बाद हुआ डेवोन कॉनवे। कंगना रनौत के भारत की आजादी वाले बयान पर विशाल ददलानी ने निकाला गुस्सा, एक्ट्रेस को याद दिलाया भगत सिंह का बलिदान। लंबोर्गिनी की बोनट पर रखकर चौमिन खाते नजर आए कार्तिक आर्यन, वायरल हो रहा वीडियो। आराध्या का बर्थडे मनाने विदेश निकले ऐश्वर्या अभिषेक, लोग बोले पिता मेहनत से कमा रहा बेटी उड़ा रही। सुष्मिता सेन की भतीजी का हुआ नामकरण, जियाना नाम से पुकारा जाएगा चारू राजीव की बेटी को। राजकुमार राव ने घुटनों पर बैठकर पहनाई पत्रलेखा को अंगूठी, सामने आया रोमांटिक वीडियो। कैटरीना कैफ की शादी में शामिल नहीं होंगे सलमान खान, 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान में वेडिंग सेरेमनी। आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी का टाइटल ट्रैक रिलीज, 10 दिसंबर को सिनेमा घरों में आएगी ये फिल्म। बड़े बाल बड़ी दाढ़ी और माथे पर तिलक, फिल्म पुष्पा से जारी हुआ लू अर्जुन का डैशिंग लुक। अक्षय कुमार के करियर की 15वीं 100 करोड़ फिल्म बनी सूर्यवंशी, फैंस बोले द हिट मशीन। रकुलप्रीत सिंह की छतरीवाली का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ आउट, रकुलप्रीत ने खुद भी फिल्म में अपने फर्स्ट लुक पोस्टर्स के साथ फैंस के साथ सोशल मीडिया पर किया शेयर। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।